हेलो एवरीवन, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और चलिए एक नए चैप्टर की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नया। और जिन साथियों को पहले से पता है अच्छी बात है, और जो साथी मेरे नए हैं, जो भाई मेरे नए हैं, उनके लिए आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज शुरू होने जा रहा है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ाएंगे, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। और दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल बेस लेवल से आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। वर्गीकरण परिभाषा, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। संग्रह, अब इसका देखिए वर्गीकरण का परिभाषा में क्या है, संग्रह किए हुए आंकड़ों को, ठीक है, संग्रह किए हुए आंकड़ों को उनकी समानता और गुणों के आधार पर, उनकी क्या है, समानता और उनके जो गुण है उनके आधार पर, जैसे हर व्यक्ति में क्या होता है, गुण होता है, तो उसके आधार पर वर्गों में रखने की क्रिया है। क्या है, वर्गों में, वर्ग से वर्गो हुआ है, तो क्या है, वर्गों में रखने की क्रिया है। वर्गीकरण आंकड़ों के लक्षणों पर, क्या है, लक्षण, तो आप जानते हैं लेकिन कि लक्षण क्या है, जैसे आपका लक्षण पढ़ने में है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो लक्षण, ठीक है, लक्षणों पर आधारित है। ये लक्षण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, या दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, बात एक ही हुआ, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, लक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है दोस्तों, वर्णात्मक, ठीक है, पहला लक्षण क्या है, वर्णात्मक लक्षण, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत वे लक्षण आते हैं, इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, वे लक्षण आते हैं जो मात्रात्मक, मात्रा से मात्रात्मक, मात्रा माने मात्रा, और इसमें तक मक लगा दिया है, मात्रात्मक रूप से नहीं नापे जा सके, मात्रात्मक यानी मात्रात्मक रूप से इसको नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, धर्म, शिक्षा, सच्चाई आदि, ठीक है, इसको मात्रात्मक रूप से आप नहीं नाप सकते हैं। धर्म से हिंदू मुस्लिम, शिक्षा, शिक्षा तो आप जानते हैं कि जैसे कि आप ले रहे हैं हमसे, ठीक है, और मैं आपको दे भी रहा हूँ। सच्चाई यानी कि आप ये कह दिए कि सर मैं 2 घंटे आज शाम को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो ये क्या हो गया, सच्चाई, यानी कि आप 2 घंटे शाम को पढ़े, यानी कि क्या हो गया, सच्चाई हो गया, इत्यादि और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं संख्यात्मक, संख्या से आपको ये पहले पता चल जा रहा है कि संख्या से संख्यात्मक, संख्या माने नंबर, ठीक है, न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत लक्षण आते हैं, वे लक्षण आते हैं, इसके अंतर्गत वे ऐसे लक्षण आते हैं जो मात्रात्मक रूप से नापे जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आयु, आयु माने जैसे आपकी, आप कितने साल के हैं, ऐसे लोग पूछते हैं जनरली, इसे आप ही पूछ लेते होंगे कि भाई तुम कितने वर्ष के हो, कितने साल के हो, तो ये क्या है, आयु हो गई, ठीक है। भार, भार में जानते हैं कि वजन, देखिए 10 किलोमीटर यदि हमें जाना है तो हम कितने का भार ले सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मान लीजिए कि 2 किलोमीटर जाना है, तो आप 5 किलो भार को 10 किलो आपके कैपेसिटी के अनुसार आप उसको ले जा सकते हैं, तो क्या हो गया भार। अब ऊंचाई, ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ऊंचे लंबे होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि कभी भी दीवार में कील गाड़ना हुआ हो, या किसी भी मचान हो गया, ठीक है, तो उस पर से कुछ चीज़ें अरे उतारना हो, तो आप क्या लगाते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी लगाएंगे, सीढ़ी, ठीक है, या आप चेयर टेबल का प्रयोग करेंगे, जो लंबे, अब वो ऊंचा भी है, और जो लंबे हैं वो अपने ऊंचाई का प्रयोग करके क्या होते हैं, ये पा जाते हैं, इत्यादि, ठीक है। अब इसमें चलते हैं चीफ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, चीफ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की मुख्य विधि है, इसकी विधि क्या है, ठीक है। पहला क्या है, गुणों के अनुसार वर्गीकरण, गुणों यानी कि प्रॉपर्टीज, आप इसमें ये कह सकते हैं या तो एट्रीब्यूट कह सकते हैं, ठीक है, गुणों के के अनुसार वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण, वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण,
करण, यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर हम बताने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, ठीक है। आप देखें यहाँ पे क्या कहा है, जीरो से दस, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, इस प्रकार सीमाबद्ध वर्गों को वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार सीमाबद्ध वर्गों को वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक। जिन दो सीमाओं के अंतर्गत, ठीक है, जिन दो सीमाओं के अंतर्गत वर्ग बनाए जाते हैं उन्हें वर्ग सीमाएं या क्लास लिमिट कहते हैं, ठीक है। वर्ग सीमा या क्या कहते हैं उसको, हम क्लास लिमिट कहते हैं, ठीक है। पहली सीमा को निम्न सीमा, ठीक है, पहली सीमा को ये क्या कहेंगे, जो ये पहली सीमा हो गई उसको हम क्या कहेंगे, निम्न सीमा। दूसरी सीमा को हम क्या कहेंगे, उच्च सीमा, ठीक है। निम्न माने कम, आप तो जानते हैं, और उच्च माने ज़्यादा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जीरो से दस, जीरो आपका यहाँ पर क्या है, निम्न सीमा है, यहाँ पर क्या है, निम्न सीमा है। दस आपका क्या है, उच्च सीमा है। आपको समझ आ गया होगा, जीरो यहाँ पे, जीरो यह है आपका, ठीक है। अब चलते हैं, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार या क्लास मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को, अब अंतर माने तो जानते हैं आप, ठीक है, वर्ग विस्तार क्लास मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, दस माइनस जीरो, अभी क्या हो गया, दस आ गया, बीस माइनस दस बराबर क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो ये अंतर हुआ गया, अरे अंतर माने कि क्या होता है, घटाना, घट गया, ठीक है। अब चलिए, किसी वर्ग की सीमाओं की मध्य बिंदु को, और बिल्कुल दोस्तों मैं बेस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेस लेवल। किसी वर्ग की सीमाओं की मध्य बिंदु को, ठीक है, किसी वर्ग की सीमाओं की मध्य बिंदु को मध्यमान या मिड वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड वैल्यू, ठीक। ऊपर के उदाहरण में पहले वर्ग का मध्यमान जीरो प्लस दस बटे दो, अच्छा अब इसको जब जीरो में दस हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दस ही आएगा। अब उसके बटे दो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे जब जीरो में दस जब यहाँ पे जोड़ दिए तो यहाँ क्या आएगा, दस बटे के दो, दो एक क्या, दो दो बच्चे के दस, ये यही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। ये डायरेक्ट हम बता दिए इसमें, ठीक है। वर्ग अंतराल बनाने में सावधानी रखनी चाहिए, वर्ग जो अंतराल है उसको बनाने में क्या रखनी चाहिए, सावधानी। प्रत्येक वर्ग का अंतराल उचित पूर्णांक होना चाहिए, जो प्रत्येक वर्ग का अंतराल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उचित, यानी कि सही होना चाहिए, ठीक है। जो उसका पूर्णांक है वो सही होना चाहिए, ठीक है। सबसे नीचे के वर्ग के निम्न सीमा और सबसे ऊपर के उच्च सीमा को सीमा ऐसी होनी चाहिए कि इसके अंतराल सभी आंकड़े आ जाए, ठीक है। फिर देखिए, सबसे नीचे के वर्ग के निम्न सीमा यानी कि आप तो जानते हैं कि कम, ठीक है। सबसे ऊपर की उच्च सीमा और ऊपर वाले से ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार से होने चाहिए इसके अंतराल सभी आंकड़े आ जाए। इस करने मतलब यह है कि दोस्तों, इसके अंतर्गत सभी आंकड़े आ जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका।